नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश नवरात्रि में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूं तो साल में चार बार नवरात्र आते हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रों का अपना ही महत्व है। इस बार के शारदीय नवरात्र खास तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुभ है, और नवरात्र के प्रथम दिन किस प्रकार मिथुन राशि वाले जातकों को शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए और घट स्थापना की विधि क्या कहती है, देखिए इस पर देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ बताया। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शारदीय नवरात्र में मिथुन राशि वाले जातक किस प्रकार करें विशेष पूजन। नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन घट स्थापना के बाद संकल्प लेकर प्रातः स्नान करके दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र की पंचोपचार या दशोपचार या खुदशोपचार से गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य निवेदित कर पूजा करें। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण कर रुद्राक्ष या तुलसी या चंदन की माला से मंत्र का जाप एक माला से पांच माला तक पूर्ण कर अपना मनोरथ कहें। माता जी बिल्कुल सुनती हैं। पूरी नवरात्रि जाप करने से वांछित मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समयाभाव में केवल 10 बार मंत्र का जाप निरंतर प्रतिदिन करने पर भी माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के स्वामी बुध माने जाते हैं और जिनकी देवी स्वयं माँ दुर्गा है। ऐसे में शक्ति के 9 रूपों में से कौन सा स्वरूप मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहता है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शक्ति का कौन सा रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है, कैसे करें उस देवी को प्रसन्न। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए माता भुवनेश्वरी की या माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए और उनको फूल, केला, धूप, कपूर से पूजन करनी चाहिए। साथ ही ओम शिव शक्तिर्नमः नमः मंत्र का 108 बार जप करें और तारा कवच का हर रोज पाठ करें। नवरात्र काल में मिथुन राशि वाले जातकों को किन रंगों का वस्त्र धारण कर शक्ति की आराधना करनी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा आ सके, देखिए। नवरात्र काल में शुभ परिणामों के लिए और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मिथुन राशि वाले लोगों को किन रंगों का वस्त्र धारण करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों के समय हरे रंग के वस्त्र धारण करने से आपका जीवन सुखमय बीतेगा। आपके लिए साधना अथवा पूजा का कक्ष हरे रंग का होना चाहिए। शीघ्र सफलतादायक यह रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माँ दुर्गा को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। कहते हैं कि जब जब नव दुर्गा का आगमन होता है भक्तों के दुखों का निवारण होता है। ऐसे में इस नवरात्र काल किन उपायों के बल पर मिथुन राशि वाले जातकों का आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, इसको लेकर देवीज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ बताया, अब आप भी सुनिए। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि वालों वाले जातकों को नवरात्र में क्या उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि वाले यदि पर्याप्त धनोपार्जन के बावजूद धन संचय इनको नहीं हो पा रहा है तो इस नवरात्रि गौ ग्रास निकालकर ही पूजन करें, भोजन करें। इसके साथ ही दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन संचय के स्थान पर रख देना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर वृद्धि होगी, उन्नति होगी। शारदीय नवरात्रों में व्रत रखते वक्त मिथुन राशि वाले लोगों को भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। इस नवरात्र पर माँ के मंदिर में अनाज का भोग भूल कर भी न लगाएं। व्रत करते हो या नहीं, लेकिन नवरात्र के दौरान कैंची का प्रयोग न करें। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूछ कटवाने से भी परहेज करें। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। शारीरिक संबंध भूल कर भी न बनाए। अगर मासिक धर्म चल रहा हो तो पूजा अर्चना करने से बिल्कुल परहेज करें। शक्ति के नवरात्र हमेशा अपने भक्तों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं, दुखों को हरते हैं और खुशियां लेकर आते हैं। अब के बार माँ भगवती आपकी जिंदगी में क्या क्या सौगातें लेकर आएंगी, जानिए त्रिपाठी जी से। इस बार के शारदीय नवरात्र मिथुन राशि वाले जातकों के लिए
क्या क्या सौगात लेकर आएंगे। नवरात्र का पहला दिन आपके लिए बेहद खुशियों की सौगात लाने वाला है, जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे अधिक बनी रहेगी, जिसके कारण आपको व्यवसाय में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते में चल रही किसी भी प्रकार की अनबन दूर हो जाएगी और आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आने वाला समय मंगलमय होगा। माँ के आशीर्वाद से आप हर कार्य में सफलता पाएंगे। माँ के आशीर्वाद से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। नवरात्र में रोज सुबह शाम माँ लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां स्फूर्त ही समाप्त हो जानेंगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। मंत्र जप की शक्ति जग जाहिर है। किन मंत्रों और जाप से शक्ति का आवाहन किया जा सकता है और उन्हें तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है, आप भी जानिए। इस मंत्र से प्रतिदिन माँ को आवाहन करें, उनकी पूजा करें। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणय मामितु देवी नरार्ती हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त वरे, जय भैरव देहनिली परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु ते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय खड्मुख सायुधे ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाशक रे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनि दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। एतद् व्यास कृतम् स्तोत्रम् यः पठेन्नियतः शुचिः गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। जय माँ। तो ये हमने देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जाना कि अब की बार के शारदीय नवरात्र खास तौर पे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।